जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान ने कहा है, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तभी। भगवान के सन्मुख हो जाएं तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वे भगवान को रोक दें। भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे। वे भगवान हमारे किस काम के जो किसी के द्वारा अटक जाएं। केवल हमारी एक चाहना की आवश्यकता है। साधक को यही सावधानी रखनी है कि इस चाहना की कभी विस्मृति न हो, फिर भगवत प्राप्ति में कठिनता और देरी नहीं रहेगी। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा, अनन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है तब भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल वर्जन अपने आप हो जाता है। जब साधक के प्राण रो उठते हैं, क्रंदन करने लगते हैं, उसके अंतर में भीषण ज्वाला धधक उठती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब उसके लिए सब कुछ त्याग कर देना सहज हो जाता है। सेठ जी कहते हैं, अपने आत्मा की उन्नति उत्तरोत्तर तीव्रता के साथ करनी चाहिए। कल हमने जो साधन किया उससे आज तीव्र होना चाहिए साधन। आज से आने वाले कल को और तीव्र होना चाहिए। इसी प्रकार प्रातः काल से मध्यान्ह, मध्यान्ह से सायंकाल, सायंकाल से रात्रि में और रात्रि से अगले दिन, प्रातः काल के साधन में क्रमशः तीव्रता रहनी चाहिए। घंटे घंटे में, फिर क्षण क्षण के साधन में उत्तरोत्तर तीव्रता होनी चाहिए। यदि इस प्रकार प्रयत्न किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होने में विलंब नहीं हो सकता। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जो भगवान की आराधना करना चाहता है उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में ना फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो, और वह व्यसन हो कृष्ण भक्ति का। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों